अचानक से वजन बढ़ना, हमेशा थके थके रहना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, काम पर फोकस ना कर पाना, कभी अचानक से गर्मी तो कभी अचानक से ठंड का एहसास होना, अधिकतर महिलाओं ने कभी ना कभी इसका सामना किया है ना। कई बार इन सिम्टम्स की वजह समझ में ही नहीं आती है, किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है या पीरियड्स का असर, या फिर थायराइड भी हो सकता है, और तो और ये मेनोपॉज की ओर इशारा भी हो सकता है। इनफैक्ट कई मामलों में तो डॉक्टर भी आपसे बात करके ये नहीं बता पाते कि वजह क्या है। महिलाओं में थायराइड और मेनोपॉज के सिम्टम्स कई बार इतने मिलते जुलते होते हैं कि बिना टेस्ट किए किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। अब दिक्कत यह है कि जब तक वजह समझ नहीं आएगी तब तक स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, और स्ट्रेस लेवल जितना बढ़ेगा आपकी हालत उतनी और खराब होती जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक, और आज बात करते हैं कि स्ट्रेस कैसे आपके थायराइड को बिगाड़ रहा है। दिल इतनी तेज तेज धड़क रहा है कि आप जाकर भी सो नहीं पा रहे हैं, पंखा चल रहा है फिर भी पसीने छूट रहे हैं, बेचैनी ऐसी कि जो हाथ लगे वो खाते चले जा रहे हैं, ये ओवर एक्टिव थायराइड की ओर इशारा है, और इसकी वजह है स्ट्रेस। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में स्ट्रेस को अवॉइड करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन हमारे शरीर को आराम की जरूरत होती है। अगर आप रिलैक्स होने के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो शरीर आपको अपनी तरह से समझाने की कोशिश करेगा। क्रोनिक स्ट्रेस आपके थायराइड ग्लैंड पर बुरा असर डालता है, परेशान होकर ये ज्यादा थायराइड हार्मोन्स रिलीज करने लगता है। ये आपकी मदद के लिए ऐसा करता है ताकि आपके शरीर के सभी सेल्स को एनर्जी मिल सके, शुगर और फैटी एसिड्स रिलीज हो सकें जिन्हें खून के जरिए मांसपेशियों में पहुंचाया जा सके, ताकि आप फाइट और फ्लाइट मोड में जा सकें। लेकिन कंप्यूटर युग में ना आप अपने स्ट्रेस से भाग सकते हैं ना लड़ सकते हैं। जब आप लगातार स्ट्रेस रहते हैं तो आपके सेल्स और थायराइड हार्मोन मांगने लगते हैं। थायराइड ग्लैंड बेचारे को इतना ज्यादा काम करना पड़ जाता है कि वो थक कर बीमार पड़ जाता है, और ये ठीक से काम नहीं कर पाता। इस वजह से आपका वजन भी बढ़ने लगता है, और बावजूद इसके आप हमेशा थके रहते हैं। बेसिकली होता ये है कि थायराइड आपकी हवा निकाल देता है। तो फिर चारा आखिर क्या है? बेसिकली थायराइड को ठीक रखना है तो खुद को थोड़ा ब्रेक दें, यही एक तरीका है। थायराइड को खुश रखना है तो स्ट्रेस से तो निपटना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज सीधे सीधे आपके थायराइड पर असर नहीं करती है। होता यह है कि एक्सरसाइज की वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो शरीर में स्ट्रेस देने वाले हार्मोन जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल की मात्रा घटती है, और दिमाग में खुशी देने वाले हार्मोन डोपामीन की मात्रा बढ़ती है। अब अगर आपने स्ट्रेस घटा लिया तो थायराइड ग्लैंड खुश, अब वो अपना काम बिना किसी प्रेशर के कर सकता है। वैसे स्ट्रेस सिर्फ थायराइड को ही नहीं, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को खराब करता है, इसीलिए सुबह उठकर कुछ देर योग करने और ध्यान लगाने को कहा जाता है। बहरहाल, अभी वीडियो में आपने फाइट और फ्लाइट मोड के बारे में सुना, ये क्या होता है ये मैं पिछले दो सीजन्स में आपको समझा चुकी हूँ। बेसिकली ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। जब हम किसी बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं तो हमारा शरीर बाय डिफॉल्ट फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाता है। मतलब अगर समस्या से लड़ सकते हैं तो लड़ लो, नहीं तो जान बचानी है तो फौरन भाग जाओ। जब इंसान जंगलों में रहते थे तब ये इंस्टिंक्ट काफ़ी काम आता था। अब मॉडर्न लाइफ में ये मुश्किल है, लेकिन हमारे शरीर अब उसी तरह से वायर हो चुका है। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है T3, T4, TSH, उनके बारे में भी मैं पहले डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो उसे रिपीट नहीं करेंगे। बाकी समझते हैं कि थायराइड आपके लिए क्यों इतना जरूरी है। थायराइड देखने में कुछ कुछ तितली जैसा होता है, बेचारा चुपचाप हमारे गले में बैठा रहता है, जब तक कोई दिक्कत ना आए हमारा इस पर ध्यान ही नहीं जाता है। पर थायराइड सभी ऑर्गन्स का राजा माना जाता है, और इसे इसकी ताकत मिलती है हॉर्मोन्स से। ये हॉर्मोन्स शरीर के लगभग हर सेल तक पहुंचते हैं। ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपका दिल ठीक से काम करे, आप ठीक से सांस ले सकें, खाना अच्छे से पच सके, शरीर का तापमान सही रहे, दिमाग अच्छे से काम करे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्योंकि थायराइड हार्मोन्स इतने ताकतवर होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि थायराइड ग्लैंड इन हार्मोन्स को सही मात्रा में रिलीज करे।
अगर थायराइड अंडर एक्टिव हो तो बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कम हो जाता है। अगर थायराइड ओवर एक्टिव हो तो यही सब बढ़ जाता है। ऐसे में या तो आपको बहुत ठंड लगने लगती है या फिर बिना बात ही पसीने छूटने लगते हैं। थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल कम होने से डाइजेशन स्लो हो जाती है, डिप्रेशन हो सकता है, हॉर्मोन लेवल हाई होने से पेट खराब हो सकता है, बेचैनी होती है और नींद ठीक से नहीं आती है। वैसे थायराइड आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और कामुकता पर भी असर डालता है। प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही बच्चा माँ के थायराइड हॉर्मोन्स पर निर्भर करता है, तब तक जब तक भ्रूण का खुद का थायराइड ग्लैंड एक्टिव नहीं हो जाता। ये हॉर्मोन्स पैदा होने से पहले ही बच्चे के विकास की जिम्मेदारी उठा लेता है। थायराइड ग्लैंड को ठीक से काम करने के लिए एक खास चीज की जरूरत होती है, आयोडीन। लेकिन इंसानी शरीर के अंदर आयोडीन की कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, और खाने के साथ जो आयोडीन हम लेते हैं वो भी भारी मात्रा में शरीर के अंदर स्टोर नहीं हो पाता है, इसीलिए इसे रेगुलरली लेना जरूरी है। मछली में आयोडीन होता है, शेलफिश में भी, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडों से भी आयोडीन मिल सकता है। शाकाहारी लोग मेवे, पालक और कद्दू से आयोडीन की भरपाई कर सकते हैं, और नमक तो है ही। वैसे एक मजेदार बात ये भी है कि तितलियों में भी एक अंग होता है जो वैसे हॉर्मोन्स बनाता है जैसे हमारे शरीर में थायराइड बनाता है। इसी हॉर्मोन के कारण कैटरपिलर अपना रूप बदलकर तितली में तब्दील हो पाता है, वैसे ही जैसे थायराइड हमारे शरीर में तब्दीलियां लाता रहता है। एक वयस्क को दिन में 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को थोड़ा ज्यादा आयोडीन चाहिए होता है, उन्हें 220 माइक्रोग्राम, और जो महिलाएं मां बन गई हैं और बच्चे को अपना दूध पिला रही हैं उन्हें प्रतिदिन 290 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है। तो इसके लिए कितना नमक लेना होगा? आयोडाइज सॉल्ट के नियम अनुसार 30 ppm आयोडीन होना चाहिए। ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। 1 ppm मतलब 0.0001%। इस हिसाब से देखा जाए तो हमें दिन भर में सिर्फ 5 ग्राम नमक की जरूरत है, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में औसतन हर व्यक्ति 10 ग्राम नमक की खपत करता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके शरीर में 2 गुना आयोडीन जा रहा है। साथ ही कुछ कंपनियां अपनी सुविधा के लिए जरूरत से ज्यादा आयोडीन डाल देती हैं। नियमित रूप से बहुत ज्यादा आयोडीन लेंगे तो वो भी आपके थायराइड के लिए अच्छा नहीं है। तो क्या करें? आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करें, लेकिन खाने में बहुत ज्यादा नमक ना डालें। वैसे भी ज्यादा नमक लेने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। उम्मीद है मैं आज भी आपको कुछ नया बता पाई हूँ। तो शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।